हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूक्लिकेम फोरम। अभी तक के हम 35 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल। सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो 36 न्यूमेरिकल में कहा है आयरन क्रिस्टलाइजेस इनटू टू टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल बड़ा है, कैलकुलेशन काफ़ी आसान है बट समझने में थोड़ा मुश्किल है। एक बार इस न्यूमेरिकल का या फिर ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल का आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 36 न्यूमेरिकल में कहा है आयरन क्रिस्टलाइजेस इनटू टू टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी एंड एफसीसी। एक सिंगल आयरन, उसके दो अलग अलग क्रिस्टलाइजेशन हुए हैं, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, द यूनिट लेंथ ऑफ बीसीसी आयरन इज, अब जैसे आयरन के दो टाइप्स है बीसीसी और एफसीसी, तो बीसीसी के लिए उसका आयरन का एज लेंथ दिया है और एफसीसी के लिए भी दिया है। ठीक है, तो हम वैसे लिख कर रख देते हैं। 36 न्यूमेरिकल के गिवन में हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया एज लेंथ ऑफ बीसीसी आयरन। डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स हम ए ऑफ बीसीसी, और वो आपको दिया है 3 एंगस्ट्रोम यूनिट। ठीक है, यूनिट को चेंज मत कीजिए क्योंकि हो सकता है ये बाद में कैंसिल हो जाए। जैसे न्यूमेरिकल भी मुझे पता है ऑलरेडी, मैं इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। एक बार पैटर्न समझ लीजिए। वेल दैट ऑफ एफसीसी आयरन इज 3.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, सो एज लेंथ ऑफ एफसीसी आयरन इक्वल्स टू, एज लेंथ को ए से डिनोट करते हैं और एफसीसी के लिए आपको दिया है 3.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ एफसीसी टू बीसीसी आयरन। ठीक है, अब आपको रेशियो कैलकुलेट करना है डेंसिटीज का दोनों स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान में रखिए, एफसीसी रहे या बीसीसी रहे, है तो अकेला आयरन, तो एफसीसी के लिए और बीसीसी के लिए आयरन का मास तो सेम ही रहेगा, यानी मोलर मास का वैल्यू हम पुट अप नहीं करेंगे, या फिर दिया होगा तो भी कोई काम का नहीं है। एवोगैड्रोस नंबर, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वो भी फिक्स रहेगी अपनी जगह पर। अब बचा है तो जेड, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपको लिखना पड़ेगा, जो कि एफसीसी के लिए और बीसीसी के लिए डिफरेंट होता है। तो उसमें हम दो पॉइंट्स और ऐड करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर बीसीसी आयरन। डिनोट करेंगे स्टूडेंट उसे जेड ऑफ बीसीसी, जो कि होता है 2। ठीक है, लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर एफसीसी आयरन इक्वल्स टू जेड ऑफ एफसीसी, डिनोट करेंगे जेड से एफसीसी को, और वो होता है एफसीसी के लिए 4। ठीक है, अब आपको रेशियो कैलकुलेट करना, तो चलो एक काम करते, हम दो फॉर्मूले लिखकर रख देते हैं। डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल फॉर एफसीसी आयरन इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, डेंसिटी ऑफ एफसीसी इक्वल्स टू जेड ऑफ एफसीसी इनटू मोलर मास ऑफ एफसीसी, लिखने की जरूरत नहीं है, एफसीसी रहे या बीसीसी रहे मैंने आपको पहले ही बता दिया, है तो आयरन ही, तो मोलर मास सेम रहेगा। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, इसलिए हम एन ए ही लिखेंगे। अब वॉल्यूम को हम वी ना लिखते हुए ए क्यूब के फॉर्मेट में लिखते, बट एफसीसी के लिए है इसलिए ए एफसीसी क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दिस इज योर इक्वेशन 1। नेक्स्ट टर्म, डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल फॉर बीसीसी आयरन इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ बीसीसी इक्वल्स टू जेड ऑफ बीसीसी, अगेन मास सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय एन ए कॉन्स्टेंट है इसलिए जैसे कि वैसा रख दिया, और ए ऑफ बी सी सी क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर इक्वेशन 2। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ एफ सी सी टू बी सी सी आयरन। अब एफ सी सी टू बी सी सी है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। अब इसे इंग्लिश में अगर लिखना है तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। हम वैसे लिखते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2।
टू. ओके स्टूडेंट्स, अब डिवाइड करते हैं आप तो आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ एफसीसी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बीसीसी. ठीक है, आपने फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर लिया. अब आप एक काम कीजिए, डेंसिटी जो एफसीसी के लिए है उसका वैल्यू पुट अप कर लीजिए. फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स, जेड ऑफ एफसीसी इनटू मास अपॉन एनए इनटू ए ऑफ एफसीसी क्यूब. ओके, डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका डेंसिटी एफसीसी के लिए. बीसीसी के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो है जेड ऑफ बीसीसी इनटू मास डिवाइडेड बाय एनए इनटू ए ऑफ बीसीसी क्यूब. अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए, मास मास सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा, एनए एनए ये भी कैंसिल हो जाएगा. अब जो बचा है स्टूडेंट, मैं देखिए उसको लिखता हूँ डायरेक्ट स्टेप में, मैं आपको कन्वर्ट करके नहीं दिखाता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाए या फिर ये स्टेप कैसी आई ये पता ना चले, इसलिए मैं स्टेप्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ. मास मास एनए एनए कैंसिल हो गया, बट मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया कैंसिल ऐसी लाइन से शो ना करे, जैसा है वैसे ही रहने दे. नेक्स्ट स्टेप में आप अगर उसे नहीं लिखते तो ये माना जाता है कि वो कैंसिल हो गया. जो बचा है उसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, जेड ऑफ एफ सी सी डिवाइडेड बाय ए ऑफ एफ सी सी क्यूब डिवाइडेड बाय अगेन जेड ऑफ बी सी सी डिवाइडेड बाय ए ऑफ बी सी सी क्यूब. अब ये रेसिप्रोकेट होगा और ये टर्म न्यूमरेटर में जाएगी, तो न्यूमरेटर में जाते वक्त ये रिवर्स हो जाएगा, जो आपको ऑलरेडी पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है. तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी z ऑफ एफ सी सी डिवाइडेड बाय z ऑफ बी सी सी इंटू ए ऑफ बी सी सी क्यूब डिवाइडेड बाय a ऑफ एफ सी सी क्यूब. ओके स्टूडेंट्स, z एफ सी सी के लिए आपको पता है इट्स 4 डिवाइडेड बाय z बी सी सी के लिए आपको पता है 2 इंटू ए. अभी वैल्यू पुट अप कीजिए, a आपको बी सी सी के लिए दिया है 3, सो इट्स अ 3 क्यूब डिवाइडेड बाय ए ऑफ एफ सी सी 3.5 है तो उसका क्यूब, सो 3.5 क्यूब. कैलकुलेशन अभी आपको आता है, 2 to the 4 इंटू 3 का क्यूब आपको पता है, इट्स नॉट अ 9, इट्स अ स्क्वेयर है वो. 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27. ठीक है, सो 27 डिवाइडेड बाय 3.5 क्यूब. ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट स्टेप, 2 × 27 अगर आप करते हैं तो वो हो जाता है 54 डिवाइडेड बाय. अब आपके सामने क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्यूब अगर कैलकुलेट करना है तो फिर से लॉग कैलकुलेशन, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, बट मैं डायरेक्ट क्यूब बता देता हूँ. क्यूब कैसे निकालना है इसके पहले हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में देख चुके हैं, तो आपको उसकी आदत से भी पड़ गई भी होगी. तो देखते हैं 3.5 का क्यूब, 3.5 का क्यूब है स्टूडेंट्स 42.87, और फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो डेंसिटी ऑफ एफसीसी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बीसीसी इसका रेशियो आ जाएगा. उसके लिए कैलकुलेशन, 54 का लॉग 1.7323, 42.87 का लॉग 1.6321, दोनों को हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है 0.1002, और जब उसका एंटी लॉग देखते हैं तो वो आता है 1.259 बोला है तो 26 लिख सकते हैं आप. एक बात और ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, रेशियो का और परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं रहता, ये मैंने इसके पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ये ध्यान में रखिए. तो ये 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान है, बस स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 37 न्यूमेरिकल ये 36 के न्यूमेरिकल के एक समान ही है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है या फिर नाम चेंज है ऐसा कह सकते हैं आप. क्या कहा है, द मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू 2 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नेमली अल्फा फॉर्म विद बीसीसी स्ट्रक्चर एंड बीटा फॉर्म विद एफसीसी स्ट्रक्चर. गिवन लिखने की जरूरत नहीं है ये दो लाइन में. हैविंग एज लेंथ 3.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट एंड 3.8 एंगस्ट्रॉम यूनिट रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब ये जो एज लेंथ दिया है ये अल्फा फॉर्म बीसीसी के लिए है और 3.8 जो दिया है वो है अल्फा बीटा फॉर्म एफसीसी के लिए. ठीक है, तो वैसे लिखकर हम रख देते हैं. सो 37 न्यूमेरिकल के गिवन में फर्स्ट पॉइंट,
क्या लिखना है स्टूडेंट्स, एज लेंथ ऑफ अल्फा फॉर्म, डिनोट करेंगे हम उसे ए ऑफ अल्फा, और वो आपको दिया है स्टूडेंट्स 3.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, अब आपने अल्फा लिखा है इसका मतलब वो बीसीसी के लिए है, ये मान के चल लेते हैं हम। देन सेकेंड पॉइंट, एज लेंथ ऑफ बीटा फॉर्म वो रहेगा स्टूडेंट्स ए ऑफ बीटा इक्वल्स टू 3.8 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ अल्फा फॉर्म टू बीटा फॉर्म। ठीक है, डेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है, बट उसके पहले हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट से लिख कर रख देते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर अल्फा फॉर्म, अब अल्फा फॉर्म ध्यान में रखिए बीसीसी के लिए है, तो जेड रहेगा अल्फा बीसीसी के लिए 2। ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर बीटा फॉर्म, जेड ऑफ बीटा से डिनोट करेंगे जो कि एफसीसी के लिए है, तो 4 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब लिखते हैं हम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप। सो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल फॉर अल्फा फॉर्म, अल्फा फॉर्म के लिए क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जेड ऑफ अल्फा इंटू मास डिवाइडेड बाय एन ए इंटू वॉल्यूम की जगह लिखते हैं हम ए क्यूब, बट ए क्यूब किसका रहेगा स्टूडेंट्स, अल्फा का। दिस इज योर इक्वेशन 1। देन सेकेंड पॉइंट, डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल फॉर बीटा फॉर्म, डेंसिटी ऑफ बीटा इक्वल्स टू जेड ऑफ बीटा इंटू मास डिवाइडेड बाय एन ए इंटू वॉल्यूम की जगह हम लिखते ए क्यूब, जो कि रहेगा बीटा के लिए। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स आपको रेशियो तो कैलकुलेट करना है, बट किसके लिए, अल्फा टू बीटा, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ अल्फा डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बीटा आना चाहिए, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, उसके लिए आएगा स्टूडेंट्स, मैं इधर लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ अल्फा फॉर्म डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बीटा, अल्फा का जो भी रहेगा फॉर्मूला उसे रख दीजिए, जेड ऑफ अल्फा इंटू मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जेड रहेगा बीटा फॉर्म के लिए इंटू मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब रहेगा बीटा। सो डेंसिटी ऑफ अल्फा डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बीटा इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट इसके पहले के न्यूमेरिकल में 36 न्यूमेरिकल में मैंने आपको स्टेप शो किया था कि ये कैंसिल कैसे होते हैं और न्यूमरेटर में शिफ्ट होते तो चेंजेस कैसे आते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, यहां पे आएगा स्टूडेंट्स जेड ऑफ अल्फा डिवाइड बाय जेड ऑफ बीटा इंटू ए क्यूब ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब ऑफ अल्फा, वैल्यू पुट अप कर लीजिए आप, जेड अल्फा का है तो यहां पे लिखा आपने इट्स 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए बीटा के लिए 3.8 और 3.8 का क्यूब डिवाइडेड बाय दूसरा वैल्यू है 3.2 और उसका क्यूब। अब यहां पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2/4 वो आ जाएगा 1/2 इंटू 3.8 का आपको क्यूब देखना पड़ेगा, तो 3.8 का क्यूब डोंट वरी हमारे पास में है, इट्स 54.87 डिवाइडेड बाय 3.2 का है आपके लिए 32.76। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 32.76 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 32.76 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 टू जा 12 कैरी 1, 7 टू जा 14 प्लस 1 15 कैरी अगेन 1, 2 टू जा 4 प्लस 1 इट्स 2 टू जा 4 प्लस 1 5, 3 टू जा 6 इट्स 65.52। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 54.87 डिवाइडेड बाय 65.52,
अब फिर से लॉग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 54.87 का लॉग देखना है जो कि 1.7392 है, 93 है। देन 65.52 का लॉग आपको देखना है 1.8163। 54.87 के लॉग में से 65.52 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है 12.9230, और जब उसका एंटीलॉग देखते हैं तो आता है 0.8375। तो ये आ गया स्टूडेंट्स रेशियो डेंसिटी का अल्फा वर्सेस बीटा। ये हो गए थोड़े से डिफरेंट न्यूमरिकल जो कि मैंने आपको कमिट किया था, ऐसे न्यूमरिकल्स और आगे आएंगे। ओके स्टूडेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमरिकल की तरफ, 38 न्यूमरिकल में कहा है कि द डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इज 9.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये न्यूमरिकल आसान है बट फिर भी मैंने इसे जानबूझ के यहाँ पे पुटअप किया है क्योंकि इसके बाद का जो न्यूमरिकल है उसमें चेंजेस है, पैटर्न सेम रहेगा बट थोड़ा सा चेंजेस होने की वजह से आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो या फिर आपको समझ में ना आए कि कन्वर्जन हम कैसे करें। ध्यान में रखिए यहाँ पे जो डेंसिटी दिया है वो दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, नेक्स्ट न्यूमरिकल में थोड़ा सा चेंज रहेगा उसमें, ठीक है। सो 38 न्यूमरिकल सॉल्व करते हैं। 38 न्यूमरिकल के गिवन में अगेन फर्स्ट पॉइंट द डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इज 9.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको डेंसिटी दिया है स्टूडेंट्स। सो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल डिनोट करेंगे डी से और वो दिया है आपको 9.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 4.3 एंगस्ट्रॉम यूनिट, आपको एज लेंथ दिया है। सो एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल डिनोट करेंगे हम ए से जो कि है 4.3 एंगस्ट्रॉम यूनिट, कन्वर्ट करते हैं तो 4.3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। देन एटॉमिक मास भी दिया है आपको, थर्ड पॉइंट, एटॉमिक मास या फिर आप मोलर मास भी लिख सकते हैं। सो एटॉमिक मास डिनोट करेंगे कैपिटल एम से और वो दिया है आपको 89 ग्राम पर मोल, पर मोल नहीं लिखा तो भी चलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, पता है आपको, इट्स अ करेक्ट जेड, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऐसी वैल्यू जो आपको ऑलरेडी पता है दैट इज एवोगैड्रोज नंबर, डिनोट करेंगे हम एन ए से और वो होता है 6.023 इंटू 10⁻²³, यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स मोल इनवर्स। देन अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल डिनोट करेंगे वी से और वो है ए क्यूब। ए का वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है, इट्स 4.3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब। इसका कैलकुलेशन आएगा 3 लॉग 4.3 इंटू 10⁻⁸ की जगह हो जाएगा -24 सेंटीमीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको लॉग कैलकुलेशन करना है, उसके लिए आपको 4.3 का लॉग देखना पड़ेगा जो कि 0.6334 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 1.9002 और उसका जब हम एंटीलॉग देखते हैं वो आता है 79.46, बट हम उसे 7.946 लिखते हैं और 10⁻²³ कर देते हैं 24 की जगह, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जेड निकालना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला, सो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल इज गिवन एज डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी। अब जेड कैलकुलेट करना है तो पूरे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एन ए इंटू वी डिवाइडेड बाय एम। वैल्यूज पुट अप करते हैं स्टूडेंट्स, सो जेड इक्वल्स टू डेंसिटी आपको दिया है इट्स 9.02, सो 9.02 इंटू एन ए आपको पता है इट्स 6.023 इंटू 10⁻²³ इंटू वॉल्यूम आपको पता है इट्स 7.946 इंटू 10⁻²³ डिवाइडेड बाय मास आपको दिया है 89। अब 10⁻²³ और 10⁻²³ कैंसिल कर दीजिए बट लाइन ड्रॉ करके नहीं, शो करना है बस आपको। सो 9.02 इंटू 6.023 इंटू 7.946 एंड डिवाइडेड बाय 89। फिर से आपको लॉग कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको 9.02 का लॉग देखना है, 0.9552
6.023 तो आपको याद हो ही गया होगा, 0.7798, 7.946 का लॉग आपको देखना है 0.9001। अब ये तीनों टर्म्स को हम एडिशन कर लेते हैं, वो आता है 2.6351, उसमें से 89 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये डैश है और ये माइनस का साइन है। अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर आता है 0.6858, और जब आप उसको एंटी लॉग देखते हैं तो वो आता है 4.8। सो 4.8 को हम अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं। एक बात ध्यान में रहे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट से कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो उसे राउंड फिगर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, नंबर 39। नंबर 39 के न्यूमेरिकल और इसके पहले के न्यूमेरिकल में मैंने एक चेंज किया है। 19.30 जो डेंसिटी आपको दिया है उसको मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना रखते हुए मैंने किलोग्राम पर डीएम क्यूब कर दिया है, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि किलोग्राम को अगर कन्वर्ट करते हैं तो डीएम क्यूब रह जाएगा, और डीएम क्यूब को कन्वर्ट करते हैं तो किलोग्राम रह जाएगा। अब ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना, थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको, चलो गिवन लिखते पहले। सो 39 न्यूमेरिकल के गिवन में फर्स्ट पॉइंट, गोल्ड ऑकर्स एज एफसीसी, सो आपको पता चल गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, डिनोट करेंगे स्टूडेंट सब उसे जेड से, और जो कि एफसीसी के लिए होता है 4। एंड हैज अ डेंसिटी आपको दिया है स्टूडेंट्स, सो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, डिनोट करेंगे डी से, और वो दिया आपको 19.30, इट्स नॉट अ ग्राम, इट्स अ किलोग्राम पर डीएम क्यूब। देन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड, ओके। सो आपको एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है, सो एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड यानी AU, डिनोट करेंगे हम स्मॉल r से, फाइंड आउट करना है। मोलर मास दिया है स्टूडेंट्स आपको, सो मोलर मास ऑफ गोल्ड, इट्स 197 यूनिट रहेगा स्टूडेंट इसका ग्राम। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए, सॉरी मैंने कैपिटल M नहीं लिखा, जो कि भूलना तो नहीं है, 197 ग्राम। अब एक बात, जो डेंसिटी आपको दिया है वो किलोग्राम पर डीएम क्यूब में है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास ही अगर आपको किलोग्राम में दिया है तो आप इस मास को ग्राम में कैसे रख सकते हैं, तो यू नीड टू कन्वर्ट दैट ग्राम इंटू किलोग्राम, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ग्राम का अगर किलोग्राम में करते हैं तो वो हो जाएगा 10^-3, और 10^-3 को अगर हम शिफ्ट करते पॉइंट्स के फॉर्म में तो वो हो जाएगा 0.197, और यूनिट आएगा स्टूडेंट्स किलोग्राम, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट, ऐसी वैल्यू जो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर, डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स हम Na से, और वो होता है 6.023 इंटू 10^23 यूनिट रहेगा मोल इनवर्स। अब मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं कि इसे कैसे सॉल्व करना, स्टेप्स आपको पता है। हमें सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम जो भी आएगा वो वैल्यू पुट अप करेंगे तो एज लेंथ कैलकुलेट करेंगे, और एज लेंथ का फिर रेडियस में वैल्यू पुट अप करेंगे तो रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, यू नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सो डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल इज गिवन एज डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रिकॉशियसली, अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी को राइट में शिफ्ट कीजिए, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू डी। अब यहाँ पे एक बात बता दो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिए। वॉल्यूम का आपने फॉर्मूला रखा है जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू डी, ठीक है। अब जेड का तो कोई यूनिट है नहीं, मास का यूनिट आपने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय एन ए है मोल इनवर्स, और ये होता है जनरली किलोग्राम मोल, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू डेंसिटी है किलोग्राम पर डीएम क्यूब में। अब देखिए किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया, मोल मोल इनवर्स कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, यानी डीएम क्यूब न्यूमरेटर में जाएगा, तो वॉल्यूम जो आप कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर आपका डीएम क्यूब में आएगा।
फिर भी पैनिक नहीं होना है आपको, मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है चेंजेस, ठीक है? तो इसे ध्यान में रखिए। अब वैल्यूज पुट अप करते हैं। जेड आपके पास में ऑलरेडी है, इट्स अ 4 इनटू मास आपने कैलकुलेट किया 0.197 डिवाइडेड बाय एनए है 6.023 इनटू 10 टू पावर 23 इनटू डेंसिटी आपने आपको दिया है 19.30। ओके स्टूडेंट, अब 0.197 को 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ 0.197 मल्टीप्लाइड बाय 4, 728 कैरी 2, 9 4 36 प्लस 2, शायद ये 788 आता है, 38 कैरी अगेन 3, 4 प्लस 1 7, सो 0.788 आता है। सो 0.788 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हो जाएगा -23 इंटू यहां पे बचेगा 19.30। अब लॉग कैलकुलेशन करते वक्त हो सकता है स्टूडेंट्स मैंने यहां पे 788 का लॉग लिया हो, तो फिर 10 टू द पावर -26 हुआ होगा। तो चलो हम वैसे ही कर लेते हैं, यहां का पॉइंट मैं शिफ्ट कर देता हूं पूरा कंप्लीट 788 और 10 टू द पावर -26 कर देते हैं हम, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं लॉग कैलकुलेशन, इसके लिए आपको अब हो सकता है 788 का लॉग लिया होगा, नहीं, ठीक है, 6.023 का लॉग 0.7798, 19.30 का लॉग आपने देखा 1.2855, उसको ऐड कर लीजिए तो वो आता 2.0653। अब देखते 788 है क्या, या करेक्ट, तो फिर 10 स्क्वायर -26 ही, ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया। ये तीन डिजिट्स को मैंने कंप्लीट शिफ्ट किया और 10 स्क्वायर -3 लिखा, 10 टू द पावर 23 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आया तो 10 टू द पावर -23 हो गया, 10 टू द पावर -23 और 10 टू द पावर -3 ये हो जाएगा 10 टू द पावर -26 जो कि मैंने यहां पे लिख दिया, बाद में हम चेंज कर लेंगे उसको। अब आपको क्या करना है, 2.8965 के लॉग में से 2.0653 उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है 0.8312। सब्सट्रैक्ट करने के बाद में उसका एंटी लॉग देखते हैं तो वो आता है 6.779। ओके स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं तो 6.779 इंटू 10 टू पावर -26 और यूनिट रहेगा स्टूडेंट इसका डीएम क्यूब। ओके स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब यहां पे हम क्या करते हैं, 6.779 इंटू 10 टू पावर -26 ना लिखते हुए -23 लिखते हैं और यहां पे लगा लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? 1 dm³ का मतलब होता है 1000 cm³, 1000 cm³ का मतलब होता है 10 to power 3 cm³, 10 to power -26 एंड 10 to power 3 ये हो जाएगा 10 to power -23। हम फिर से एक डिजिट शिफ्ट करते तो हो जाएगा वो 67.79 इंटू 10 to power -24 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कन्वर्जन हमने क्यों किया ये आपको पता चल गया होगा, इसके पहले के न्यूमरिकल अगर आपने ऑब्जर्व किए होंगे तो। अब आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, चलो एज लेंथ कैलकुलेट करते स्टूडेंट्स। सो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, चलो वैल्यू पुट अप करते स्टूडेंट्स, ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम का वैल्यू इट्स 67.79 इंटू 10 टू पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब रूट अगर देखते हैं तो 1/3 लॉग ऑफ 67.79 इंटू 10 टू पावर -24 का हो जाएगा 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा सेंटीमीटर। अब आपको फिर से वही कैलकुलेशन, 67.79 को आप 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है? 1.8312 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आता है 0.6104 और उसका एंटीलॉग देखते हैं वो आता है 4.07। सो 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर और हम डायरेक्ट अभी कन्वर्ट करते हैं, इट्स अ 407 पिकोमीटर। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका एज लेंथ। अब आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है? सो रेडियस ऑफ यूनिट सेल फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर, ध्यान में रखिए स्ट्रक्चर एफसीसी जिसका जेड आपने 4 लिखा, इज k
कैश टोटल फॉर्मूला इट्स ए बाय टू रूट टू, ए का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 407 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.414. नाउ 407 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4 2 8 2 1 2 4 2 अगेन 8 2 1 2. अब आपको बस लॉग कैलकुलेशन करना है, जिसके लिए 407 का लॉग लेना पड़ेगा 2.60495 उसमें से 2.828 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 0.4514 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है 2.158. और जब आप उसका एंटीलॉग देखते हैं तो वो आता है 143.8, राउंड फिगर में हम लिखते 144 पिकोमीटर. तो समझ में आ गया, मैंने सिर्फ मोलर मास को कन्वर्ट किया और यहाँ पे वॉल्यूम को. सभी चीज़ें आपके फेवरेबल कंडीशन में ही रहेगी अगर आप स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो. और उसके लिए आपको कंप्लीट ये वीडियोस या फिर जो भी सर आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हैं उनको तरफ फोकस करना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेट करके आपको समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. देखते स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 14 न्यूमेरिकल में कहा है कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC स्ट्रक्चर. अब मैं गिवन नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है. सो इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 3.8 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है. सो 14 न्यूमेरिकल के गिवन में फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एज लेंथ दिया है. सो एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स हम ए से, और वो दिया है 3.8 एंगस्ट्रॉम यूनिट. कन्वर्ट मत कीजिए क्योंकि आपको रेडियस अगर कैलकुलेट करना है तो रेडियस का भी यूनिट वही आएगा, ठीक है. तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, काफी आसान न्यूमेरिकल है. सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट रेडियस ऑफ कॉपर एटम. सो रेडियस ऑफ कॉपर एटम डिनोट करेंगे हम स्मॉल आर से और ये कैलकुलेट करना है. सो रेडियस ऑफ कॉपर एटम फॉर FCC यूनिट सेल इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स FCC के लिए, इट्स ए बाय टू रूट टू, ठीक है. ए का वैल्यू आपके पास में है 3.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.414. 2 से मल्टीप्लाई करते तो 3.8 डिवाइडेड बाय 4 2 8 2 1 2 4 2 8 अगेन 2 1 2. अब आपको लॉग कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, ठीक है. सो उसके लिए आपको 3.8 का लॉग लेना है जो कि 0.5797 आता है, उसमें से 2.828 के लॉग को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.4514 को, तो आंसर आएगा आपका 0.1283. उसका जब आप एंटीलॉग देखते हैं तो वो आता है 1.343 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. आज के इस वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल था, आज की इस वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल तो भी था ही, साथ में डेंसिटीज के हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए वो सभी न्यूमेरिकल्स में से ये भी आज का लास्ट न्यूमेरिकल था. नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे रेडियस रेशियो रूल के ऊपर के न्यूमेरिकल्स, जिसमें मैं और आपको 5 न्यूमेरिकल रेडियस रेशियो रूल के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे. तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए और वहाँ पे रेडियस रेशियो रूल के न्यूमेरिकल्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और लाइक बटन को क्लिक करें और फ्रेंड्स के लिए आप शेयर करें. थैंक यू सो मच.